पर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। मकर राशि के जो जातक हैं, अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? अगस्त 2024 में शनि महाराज पहले से ही वक्री हैं, बुध महाराज वो भी वक्री होने जा रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कुंडली में तीन तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं। इससे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग शिक्षा कैसा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, कैरियर कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं, वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज इस समय पहले से ही वक्री चल रहे हैं। शनि महाराज 30 जून 2024 से ही वक्री की अवस्था में हैं। अगस्त के पूरे महीने में ये वक्री रहेंगे। साथ ही साथ बुध महाराज आपकी कुंडली में 22 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। 16 अगस्त को सूर्य महाराज जी सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज जी मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में नवमांश ग्रह की क्या स्थिति है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, जो आपके वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, जो आपके बचत का होता है, उस जगह पर शनि महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, जहां से आपकी वीरता देखी जाती है, शौर्यता देखी जाती है, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, उस जगह पर राहु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपका शिक्षा, प्रेम प्रसंग और आपकी संतान देखे जाते हैं, उस जगह पर मंगल महाराज जी और गुरु महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव जहां से आपका स्त्री का पक्ष देखा जाता है, जहां से आपके विवाह के योग देखे जाते हैं, व्यापार देखे जाते हैं, उस जगह पर सूर्य महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, वहां पर बुध महाराज और शुक्र महाराज जी बैठे हैं। यहां से आपके रहस्य देखे जाते हैं, सुख सुविधा देखी जाती है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, आयु देखी जाती है, पुरातत्व का विभाग देखा जाता है, रहस्य देखा जाता है। कुंडली का जो नवम भाव है, जहां से आपका पुण्य देखा जाता है, जहां से आपका धर्म देखा जाता है, उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हैं। बात करें यदि सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के कारक देव शनि महाराज हैं। शनि महाराज इस समय आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि महाराज बैठ के आपके पैरों में दर्द दे रहे हैं। पैर में आपके दर्द रहेगा, बाकी ओवरऑल जो आपका स्वास्थ्य रहेगा वो बहुत ही उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में आपको बहुत ज़्यादा समस्या शनि महाराज नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैर में आपके दर्द हो सकता है, पेट में थोड़ा सा मरोड़ हो सकता है। तो बाहर की वस्तुओं का उपयोग खाने पीने में बहुत कम करिएगा, इन्फेक्शन का प्रमाण आपके शरीर में न बढ़े, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी मन में स्फूर्ति रहेगी, तन में स्फूर्ति रहेगी, पूरे महीने आपके अंदर तंदुरुस्ती बनी रहेगी। कोई सा भी कार्य करने में आप हिचकिचाओगे नहीं, तुरंत उसे करने में अपने आप को सक्षम समझोगे। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा का, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के जो कारक देव हैं, वो हैं आपके कुंडली के पंचमेश। पंचमेश आपके कुंडली के शुक्र महाराज जी हैं। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठते हैं शुक्र महाराज, तो आपको बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट नहीं देते। अष्टम भाव कुंडली का गलत भाव होता है, लेकिन जब यहाँ पे शुक्र महाराज बैठते हैं तो मकर राशि को अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आपके शिक्षा का प्रमाण बढ़ेगा, यहाँ पर आपका जो प्रेम प्रसंग है वो अच्छा रहेगा, जो अभी तक आपके मन में कन्फ्यूजन चल रही थी वो दूर रहेगा। प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता दे रहे हैं शुक्र महाराज, और शिक्षा के क्षेत्र में भी शुक्र महाराज यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुंडली का अष्टम भाव गलत होता है, लेकिन यहाँ पर मकर राशि को शुक्र महाराज जी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ से शुक्र महाराज आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मतभेद चल रहा था, बात विवाद चल रहा था, अगस्त के महीने में वो दूर हो जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं रहेगा, लेकिन कुंडली के
पंचम भाव पे मंगल महाराज जी और गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर जिद रहेगी, अकड़ रहेगी, मैं जो बोल दिया वही सही है, मैं जो कर लूंगा वही सही रहेगा, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था, ये जो मैं आप लगा के रखे हो, इससे आपको घाटा निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में हो, हर जगह पर मंगल महाराज जी आपके लिए गलत रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर आपको मंगल को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मंगल आपके कुंडली में आपके जिद को कम नहीं करेंगे, तब तक आपके जो बने बनाए कार्य हैं वो बिगड़ते रहेंगे। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के जो कारक देव हैं वो आपके हैं चंद्र, लेकिन चंद्रमा दूसरे दिन पे परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए कुंडली के पंचम भाव में मंगल महाराज जी बैठे हैं, शुक्र महाराज जी आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यापार तो अच्छा रहेगा, व्यापार भी आपका अगस्त महीने में अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है आपके जिद का, आप जो कार्य कर रहे हो वो बिल्कुल अग्रेशन से करोगे, तो अग्रेशन में मत करिएगा, सोच समझ के कार्य करिएगा, इस महीने में आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बड़ी सफलता आप चूक न जाए, इसके लिए आपके मंगल को थोड़ा सा शांत करना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज आपके वाणी को लेके, आपके दिमाग को लेके जो भ्रम है इसको बढ़ाएंगे और आपके अंदर उत्तेजना प्रकट करेंगे, तो काम करते समय आप थोड़ी अपनी उत्तेजना को कम रखिएगा। बात करें यदि आपके कर्म को लेके, करियर को लेके, नौकरी को लेके, तो नौकरी के जो कारक देव हैं वो है आपके कुंडली के शनि महाराज। शनि महाराज इस समय आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, वक्री की अवस्था में हैं, तो यहां पर आपकी नौकरी अच्छी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में अगस्त का महीना मकर राशि के लिए उत्तम रहने वाला है, बहुत उत्तम रहने वाला है, इसलिए आप बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन मत लीजिए, क्योंकि मकर राशि का जातक जो है 7.5 का प्रभाव चल रहा है, अंतिम दृष्टि चल रही है, यहां पर आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है, आप लाभ के लिए तैयार रहिए। आपके भाग्य के क्षेत्र में पहले से ही शुक्र महाराज 4 चांद लगा रहे हैं, बुध महाराज अष्टम भाव में बैठ के रहस्य को उजागर कर रहे हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और आपके लिए मैं बता दूं, ये जो महीना है अगस्त का महीना, बहुत ही ज्यादा लाभ लेके आने वाला है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोई सा भी आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा धर्मशील रहिएगा, बात विवाद में मत पड़िएगा, अग्रेशन को कम रखिएगा। तो उपाय क्या करें, उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बजरंग बली को लाल लंगोट चढ़ाना चाहिए, सिंदूर और तिल का तेल चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ आपको शनि जी को छाया दान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ।